नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक 4, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को लगाने के लिए। वो बेसिक तरीका लगाते काफ़ी लंबा चला जाता है, फिर टाइम भी लॉस हो जाता है, उसी में कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ सिक्का जैसे मूल्य में दिया रहता है और कभी कभी क्या देता है, संख्या में देता है सिक्का। जैसे ये प्रश्न है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये जो अनुपात दिया गया है, सिक्कों का अनुपात दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? सिक्कों का अनुपात ये 2:3:4, 2 का मतलब 1 रुपये वाले के अगर 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 3, और 25 पैसे वाले कितने सिक्के हैं? 4। ठीक है, सभी को समझ में आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाने की, पहला प्राथमिकता क्या है, ऑप्शन से लगाने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 50 पैसे का पूछा है, 50 का मतलब यहाँ 3 है, 3 से कौन सी संख्या कट रही है? 3 से सब कट रहा है, 3 × 6 = 3 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। यदि 3 से सब कट रही है, अब ऐसे कंडीशन में ऑप्शन से नहीं लगा पा रहे, तब क्या करेंगे? तो हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ते हुए उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहां बोल के 1 रुपए के 2 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के, अगर 1 रुपए के 2 सिक्के तो 2 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाए, 4 सिक्के 25 पैसे का ले लो, 1 रुपया हो जाएगा, तो 2 और 1 3 रुपया कुल मिला के हुआ, इसको और इसको मिला के अगर ये 3 रुपया हो रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने अनुपात में? 3, 3 का मतलब 1.5 रुपया होगा, अगर ये 3 तो 3 का आधा 1.5 हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो आ रहा उसका आधा 50 पैसा हो रहा है। यानी 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, 2 टुकड़ा इन दोनों को दे दिया जाए और 1 टुकड़ा जो बचेगा वो इसको, तो 3 टुकड़ों को किसको डिवाइड करेंगे? इसको। तो 180 को 3 टुकड़ों में अगर डिवाइड किया जाए तो 60 60 60 बनेगा, बोलिए। यानी 60 रुपया 50 पैसे वालों के सिक्कों की संख्या हुआ। अब 60 रुपया हो रहा है, तो 60 रुपया कितने 50 पैसे के सिक्के हो जाए कि 60 रुपया हो जाए? 120। 120 अगर 50 पैसे के सिक्के हो जाए तो 60 रुपया हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर आ गया। हमने पेन चलाया? नहीं चलाया ना। आपको भी इसी तरीके से करना, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हम लोग करेंगे। पहले ऑप्शन पे चर्चा करेंगे, अगर वहां से नहीं मिला तो फिर हम लोग यहां से निकालेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताइए, बिना पेन चलाए उत्तर आएगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए, गणित बहुत आसान है, ठीक है, कोशिश कीजिए बस। समझ में आएगी नहीं? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं कि बहुत कठिन है छोड़ दो, छोड़ने से समस्या का हल नहीं होता है, ठीक है। और इस लॉकडाउन में काफी बच्चों का मन नहीं लग रहा होगा घर पे बैठ के पढ़ाई करने में, इसीलिए आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग की, जिससे पढ़ाई अपना जारी रखे और एक नया तरीका भी आपको मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि इस समय हमको भी समय मिलता है कि हम आप लोग के लिए कुछ बेहतर कर पाए। समझ में आए कि नहीं? तो देखिए कितने आसानी से बिना पेन चलाए उत्तर आ गया। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, 180 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए, जिनका अनुपात दे दिया गया है। तो 50 पैसे का सिक्कों की संख्या पूछा, यहाँ सिक्कों का अनुपात है, हमने देखा 3 से कौन संख्या कट रहा है, 3 से सब कट रहा था, ये नियम नहीं काम किया। दूसरा नियम हमने क्या देखा कि 1 रुपए के 2 सिक्के तो 3 रुपया, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 1 रुपया, तो 2 रुपया और 1 रुपया 3 रुपया हो गया, अगर ये 3 रुपया 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया बनेगा, बोलिए, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपया, तो 3 का आधा ही तो 1.5 होता है। यानी दो हिस्सा ये ले लिए, एक हिस्सा ये लिया, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया हमने। समझ में आया कि नहीं? तो 180 को 3 टुकड़ों में डिवाइड करके 60 60 60 आया, यानी 60 रुपया 50 पैसे का हुआ। तो 60 उत्तर मत लगा देना, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 60 दुन्ना 120 आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। अब इसको अगर बेसिक लगाना है तो वो भी देख लीजिए, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, और उसके बाद क्या है, 25 पैसे के हैं, ये दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया सिक्कों का? ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है, किस अनुपात में है? 2:3:4। 1 रुपया, इससे कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसे को हम लोग रुपए में बदलेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, 25 पैसे को रुपए में बदलेंगे 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिखा गया? 50 पैसे का मतलब ही तो आधा रुपया होता है,
क्योंकि एक रुपए में 100 पैसा होता है, समझ में आएगी। एक रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसा। तो यहां पर 50/100 करेंगे तो 1/2 आएगा, यहां 25/100 करेंगे 1/4 आएगा। अब यहां सिक्कों का अनुपात दिया गया, इसको हमने क्या कह दिया, एक्स के टर्म में। हमने ये माना कि 1 रुपए के 2x, 50 पैसे के 3x और 25 पैसे के 4x। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जहां 1 रुपये का तो 1 ही रहेगा, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो 1 से 3x में तो 3x/2, और प्लस में इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 4x/4 इजकल टू टोटल। ये टोटल रुपया बन गया, टोटल कितना रुपया, 180 रुपया। तो ये 180 रुपया लिख दिया गया। अब इसको और सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद कितना निकल के आएगा। सबसे पहले हम लोग इन सबका लासा लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक एक दो चार का लासा 4 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से इसमें तो 2 × 3 = 6x, और प्लस 4 ही लासा है तो यहाँ 4x कर देंगे, पूरे का बटे में क्या आ जाएगा, 4, और बराबर 180 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 8 × 4 = 12 और 6 = 18, यानी यहाँ पर लिखेंगे 18x = 180 × ये 4 इधर चला जाएगा, और ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 40। x बराबर 40 आया, पूछा कितना था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 × 3 = 12 = 120, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 × 40 = 120, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक तरीका, ये बिना पेन चलाए, सभी को समझ में आया कि नहीं। कोशिश कीजिए ये तरीका सीखने के लिए, जिसका मैथ कमजोर है वो पहले इसको सीखें, उसके बाद जो हम तरीका बताएं इसको दोबारा सीखने की कोशिश करेंगे, समझ में आया कि नहीं। पहले इसको सीखें फिर यहाँ पर आएंगे, और जिसका तेज है वो सीधे इसी तरीके को सीखेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मित्रों, यदि 378 सिक्के, इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था, यहाँ रुपया था, इस बार क्या, यहाँ सिक्का। 378 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तथा इनके मान 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले 50 पैसे, 50 का मतलब 11, कौन सी ऐसी संख्या जो 11 से कट रहा, तो 11 का नियम है, क्या नियम है, देखो आपको बताया गया था, कितने आसानी से लगा सकते, कई तरीका है, जो लोग नहीं जानते जाने। सम स्थान और विषम स्थान वाली संख्याओं की योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो जाए तो संख्या 11 से कटेगी। तो यहां पर देखो 1 और 2 3, 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा, समझ में आया कि नहीं। तो ये कट रहा, यानी ये उत्तर चांस से पूरा सही होने का, अगर आगे कोई 11 से नहीं कटा तो। यहां पर आइए क्या है, 11 से कटेगा, 8 × 1 = 9, यहां 9 हो जाएगा, यहां 3 नहीं कटेगा, यहां देखिए 6 × 1 = 7 और यहां 3 नहीं कटेगा, यहां 3 × 1 = 4 और यहां 3 नहीं कटेगा, यानी यही उत्तर हो गया। पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, सभी को समझ में आया कि नहीं। तो आपको इस तरीके से सीखना है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम रहता है, जब ये तरीका आप जान जाओगे तो प्रश्न को पढ़ोगे सीधे उत्तर मार दोगे, जैसे कि हमने लगाया, ठीक है। ये नया तरीका आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, अगर ये तरीका सीख लोगे तो गणित का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, बहुत आसान होता है। किसी कोई प्रॉब्लम बताइए, देखो पहले रूल ही काम कर गया, सभी को समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन नहीं काम करेगा तब दूसरे तरीके पे जाएंगे, समझ में आया कि नहीं, वो भी नहीं काम करेगा तब बेसिक पे जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है, परेशान मत होइए। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में रुपया दिया गया, दूसरे में पैसा, तीसरे में फिर रुपया आ गया, ठीक है, दूसरे में सिक्का दिया गया था, इसमें फिर 90 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, यानी 25 पैसे वाला दूसरे स्थान पे है और 25 पैसे ही पूछा, दूसरे के स्थान का मतलब क्या, ये अनुपात 3 है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का अनुपात, तो 2:3:5, यानी 3 वाला, 25 पैसे पूछा, यानी 3:3, कौन से ऐसी संख्या जो 3 से कट रहा है, देखिए क्या 3 से कटेगा, नहीं, 3 × 4 = 12 आपका उत्तर हो गया, लगाने की जरूरत ही नहीं,
तो देखिए पहले राउंड में आपका ऑप्शन ये, हम नहीं कि अपने मन से ऑप्शन दिए, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे पेपर, आपको मिल जाएगा, सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लगाना है, कोई प्रॉब्लम बताइए, आसान लगा, बस आपको सोचना। अब अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आता है, मान लीजिए और कोई ऑप्शन हो तो कैसे, वैसे तरीका आ जाना चाहिए सबको। हमने देखा 25 पैसे पूछा है, 50, 25 और 10, 25 का मतलब 3, कौन सी संख्या ऐसा जो 3 से कट रहा है, कि जो भी आएगा इसी के तो मल्टीपल में आएगा, तो ये कट रहा है, बाकी कोई कट नहीं रहा, ठीक है। 3 का नियम है, अंकों का योग 3 से कटे, संख्या 3 से कटेगी। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको, एक नए तरीके से नंबर सिस्टम लोग पढ़ेंगे और अपडेट होते हुए नए नए क्वेश्चन भी वहां पर देखेंगे। अब किसी को अगर बेसिक लगाना है तो वो भी देख ले, 50 पैसे, फिर क्या है 25 पैसे, उसके बाद क्या है 10 पैसे। 50 पैसे को अगर हम रुपए में बदले, क्योंकि यहाँ रुपया है, टोटल कितना है 90 रुपया है, टोटल रुपया कितना है 90। अगर इसको हम बदले तो 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50/100 का 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि 10/100 का मतलब 1/10। सभी को समझ में आया, जब 10 पैसे का 10 सिक्का होगा तब 1 रुपया बनेगा, 25 पैसे का 4 सिक्का होगा तब 1 रुपया बनेगा, 50 पैसे का 2 सिक्का होगा तब 1 रुपया बनेगा। तो हमने इसको रुपए में बदल दिया, अनुपात क्या दिया गया सिक्कों का, सिक्कों का अनुपात क्या दिया गया 2, 3 और 5, हमने यक्स के टर्म में इसको कह दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 रुपये निकल आएगा, ये 25 पैसे का और ये 10 पैसे का, रुपए में बदल जाएगा। तो लिखेंगे कि हम लोग 2x/2 + 3x/4 + यहाँ पर क्या आ जाएगा 5x/10 = 90। ये टोटल रुपए में बदल दिया, इसको इससे गुणा करा के यहाँ लिखा गया, ठीक है, इसको इससे गुणा करा के यहाँ और इसको इससे गुणा करा के यहाँ, और इसको सॉल्व करना है तो इन सबका लासा ले लीजिए, कैंसिल मत कीजिएगा, लासा लेकर ही लगा लो, ये 2 से काट दो, ये मत काटिएगा। लासा जब लेंगे तो 2, 4 और 2 का 10, 4 और 2 का लासा क्या हो जाएगा 20। लासा मासा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर लासा हम नहीं पढ़े हैं, तो हम पढ़ाएंगे, आप लोग परेशान मत, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। फिलहाल देखिए लासा में सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, क्या 10 2 को खाएगा, 2 × 5 = 10। बड़ी संख्या छोटी संख्या को अगर खा ले तो वही संख्या लासा हो जाती है बड़ी वाली। क्या 4 को खा पाएगा, 10 नहीं खा पाएगा, 10 का पहाड़ा पढ़ दो, 10 × 2 = 20, 20 4 को खाएगा, 4 × 5 = 20 खा लेता है, तो इसका लासा 20 हो गया। अब 20 हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 10, 10 × 2 = 20x + 4 × 5 = 15x + 5 = 20, यानी कितना जाएगा यहाँ पर 10 × 2 = 20, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका 4 × 5 = 20 आ रहा है, तो 5 × 3 = 15 हो गया, 10 × 2 = 20 यानी 5 × 2 = 10x और बराबर कितना आ जाएगा आपका 90, ये बन गया। एक बार फिर से देख लीजिए, लासा 20 आया सबका, 10, 4 और 2 का लासा 20, 2 × 2 = 20, 10 से गुणा किया गया 10 × 2 = 20, 4 × 5 = 20, तो 5 से गुणा कर दिया गया 5 × 3 = 15, 10 × 2 = 20, 2 से गुणा कर दिया गया 5 × 2 = 10, ये सॉल्व करके बराबर 90, ये आपका इधर चला जाएगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 45 टोटल हो जाएगा, 20, 15 और 10 कितना आ जाएगा 45x = 90 × 20, 45 × x = 40, ये हो गया। किसका पूछा था 25 पैसे के सिक्के, 40 दिया 120 आपका उत्तर आ जाएगा, तो 3 × 40 = 120, तो ये आपका क्या निकल के आ गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए बेसिक तरीका आप लगाए, आपको समय लगा, ऑप्शन से आपने लगाया कोई समय नहीं लगा, और आप आज के समय में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शन बेस के आते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं आते हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव आता था, तो आपको ये तरीका सीखना है। सभी को समझ में आ गए। देखिए अगला क्वेश्चन, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल वर्ग के कुछ सिक्के हैं और किस अनुपात में दिए गए हैं, 1:2:3 के अनुपात में आए। यदि सिक्कों की कुल राशि 6 रुपया 50 पैसे है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। कुछ लोग मूल वर्ग का मतलब इसका वर्ग कर देंगे, मूल वर्ग का मतलब कि इस रूप में है, ठीक है, 10 पैसे मूल वर्ग के, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के रूप में है, कहने का मतलब ये है, और इनका अनुपात दिया गया 1:2:3। अब आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बिना पेन चलाए लगाइए, सब लोग बताइए।
बिना पेन चला इसका आंसर बताइए, ऑप्शन आपके पास है कौन सा होगा, पूछा क्या है 10 पैसे वाले सिक्कों की, जल्दी बताइए आप लोग। 3 से कौन कट रहा है, 15, देखिए उत्तर आ गया, देख रहे हैं यही गणित है, कुछ है इसमें कोई दम नहीं है, सबसे आसान टॉपिक होता है मैथ। आज सिक्के पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रेलवे में आते हैं, पुलिस में आते हैं, टेट में भी पूछ लेता है, सीटेट में भी आते हैं, पीसीएससी सेट में आता है, लोअर में आता है, एसएससी में भी आते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिक्के पे आधारित प्रश्न। बिना पेन चलाए उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि सर वो लड़का मैथ रट लिया, मैथ रटता नहीं है, वो बनाता है इसे, देखिए जैसे हमने आपके सामने बनाया, आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए तो बिना पेन चलाए आपका उत्तर आ गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, हमने देखा 10 पैसे पूछ रहा, 3 के पहाड़ में कौन आ रहा, 3 × 5 = 15 हो गया, खत्म, लगाने जरूरत ही नहीं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऑप्शन से लगाया जा रहा है, देख लीजिए। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो ऐसा पेपर सेट करता है कि कुछ बच्चे उसको देख के भी लगा देते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि ये आपके सामने है। सभी को समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम? बेसिक आप लोग इसका भी इससे पहले देख चुके हैं कैसे लगाया गया था, सेम उसी तरीके से लगाएंगे तो भी आपका उत्तर यही आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तदानुसार उन सिक्कों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन से बताइए कौन सा उत्तर है। देखिए यहां पर वो ऑप्शन से अगर लगाएंगे हम लोग तो यहां देख रहे हैं 5 के मल्टीपल में कौन सा आ रहा है, तो 5 के मल्टीपल में ये भी आ रहा है, 3 के मल्टीपल में ये आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला उत्तर आपका नहीं होगा, ये हमको पता चल गया। लेकिन अभी हम पहले को दावा नहीं कर सकते, यहां मूल्यों का अनुपात दिया गया, उनका मूल्य इस अनुपात में है, तो हम दावा तो कर नहीं सकते कि नहीं सर ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज ध्यान रखना, इस मूल्य को हम सिक्कों की संख्या में बनाने की कोशिश करेंगे, इस मूल्य को क्या बनाएंगे, सिक्कों की संख्या के रूप में बनाएंगे, तो सिक्कों की संख्या के रूप में बनाएंगे तो भी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं ऑप्शन। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा देखते हैं कैसे बनेगा। आप ये बताइए 50 पैसे के 5 रुपया हो तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, 10 सिक्का होगा तभी तो 5 रुपया होगा, 50 पैसे का अगर 10 सिक्का हो जाए तो 5 रुपया हो जाएगा, सभी को यह समझ में आया, क्योंकि हमने आप यहाँ मूल्य कितना देगा, अगर 50 पैसे का 5 रुपया है तो 25 पैसे के 3 रुपये, 25 पैसे के अगर 3 रुपया है तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 25 पैसे के अगर 3 रुपया हो तो सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 3 रुपये में 12 सिक्के होंगे, ये 12 बनेगा। अब बात करते हैं 10 पैसे के अगर 1 रुपया हो, 10 पैसे का अगर 1 रुपया हो तो कितने 10 पैसे के सिक्के होने चाहिए, 10 होने चाहिए, अगर 10 होगा तो काम हो जाएगा, यानी जो आपका बना ये और ये सेम आ गया, ये और ये सेम आ गया, और बीच वाली संख्या क्या है, इससे बड़ा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, पहला और अंतिम बराबर हो और बीच वाला बड़ा हो, कौन सा ऑप्शन है, देखो दिख गया होगा सभी को, पहला और आखिरी बराबर हो और बीच वाला बड़ा हो, तो यहां पर देखिए पहला और अंतिम बराबर और बीच वाला बड़ा, लगाने की जरूरत नहीं, तो हम लोग ऐसे लगाएंगे। सभी को समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। अगर इसको बेसिक लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, यहीं से इसको यक्ष मान के लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से एक बार कमेंट कीजिएगा,